हेलो दोस्तों, क्या आप सोलर प्लांट बैठाने जा रहे हैं या बैठाने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे खेत में लगाएं या आपके घर के जमीन पे लगाएं, छत पे तो कोई भी लगा लेता है, तो खेत और जमीन पे कैसे लगाएं, ये कैसे स्ट्रक्चर लगाएं कि मजबूत हो, तो ये वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं, हमने जमीन बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। बराबर करने के बाद से यहाँ पे हमने 6 फाउंडेशन बनाए हैं जो कंक्रीट का, जो कि 60 सेंटी बाई 60 सेंटी का है। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है, बनाकर और इसको मेजरिंग से रख लेना है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर का ड्राइंग होगा उस हिसाब से आपको बिल्कुल लाइन में रख लेना है, बिल्कुल लेवल करके इसको रख लेना है और मेजरिंग कर लेना है। ठीक है दोस्त, हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं लेआउट ड्राइंग है, जो कि इसी हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो आपको ऐसे लेआउट ड्राइंग होगा, उसी हिसाब से आप मेजरिंग कर लेना। ठीक है दोस्त, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं इसमें कैसे मेजरिंग करना है और कैसे रखना है। तो आइए इसको हम पहले इंस्टॉलेशन करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं ये आपका बेस जो है नीचे का, बराबर बिल्कुल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको इंस्टॉल कर लेना है बिल्कुल मेजरिंग करके, ड्राइंग हिसाब से मेजरिंग करके हमने ये बेस रख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस प्लेट लगाएंगे। ठीक है, ये जो सी चैनल का देख रहे हैं ना, ये 6 पे हम ड्रिल मार के और इस पर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल मजबूत से इसको इंस्टॉल करना है और ड्रिल मार के हम देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ये होल में फिर एक्सटेंड करके दूसरा सी चैनल लगाकर और ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो में आप बने रहिए। अगर पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो दोस्तों यहां पे हमने 16 mm का फिक्सर ले लिए हैं, यूनिफिक्स जो बोलते हैं वो ले लिए हैं और इसमें हम ड्रिल मारकर और होल मार के इस पर अच्छे से पंच कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पंच करना। कैसे पंच करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पर ड्रिल लेकर हमने दो होल मारना है, दो होल मारकर इसमें यूनिफिक्स होता है वो लगाएंगे और ऊपर से पंच करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यूनिफिक्स है, ये 16 mm का है। ये जो यूनिफिक्स है ये पंच करने पे यहाँ से खुल जाता है और जाकर अंदर पकड़ लेता है। जैसे कि अगर हम ऊपर से पंच करेंगे सीधा रख के होल में रख कर और हथौड़ा से ऊपर से मारेंगे तो ये जाकर फैल जाएगा नीचे और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ऐसे हम मारेंगे तो अंदर जाकर फिर जब टच होगा ना तो टाइट हो जाएगा यूनिफिक्स। ओके दोस्त, आपको ऐसे बिल्कुल टाइट कर लेना है हथौड़ा से मारकर और इसमें रख के और मेजरिंग करके देख लेना है सही है कि नहीं सही है, उसके हिसाब से आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइट करना है। ठीक है, 6 का 6 बेस प्लेट जो है हमने यहाँ पे टाइट कर लिए हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम शॉर्टकट में बनाए हैं, आप ऐसे टाइट कर लेना बिल्कुल सेंटर में। ओके दोस्त, और आप बेस जो बनाएंगे ना सीमेंट का वो 60 बाई 60 का रहेगा। ठीक, स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर लेते बनाना। ठीक है दोस्त, दोस्तों आपको यहाँ बता दूँ सारे नट बिल्कुल टाइट रखना है, नट बोल्ट और स्ट्रक्चर जो बनाए हम लोग ड्राइंग के हिसाब से बना लिए। देखिए सपोर्ट है और उधर भी वर्टिकल में बना ली है और पूरा सपोर्ट बिल्कुल सीधा रखना है और ड्राइंग के हिसाब से आप ड्राइंग देखेंगे उसी हिसाब से आपको सीधे ऐसे रखना है और बना लेना है। ठीक है दोस्त, ये वीडियो लंबी नहीं है इसलिए हमने फास्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना बिल्कुल सपोर्ट लगा रहे हैं बिल्कुल मजबूत कि हवा से भी ना गिरे और ये पैनल जो है
ये पैनल 2 मीटर बाई 1.5 मीटर का है, ठीक है ना, 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का पैनल्स है। ये हम इस पर इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आप देखते हैं ना ये से पैनल कैसे इंस्टॉल होता है, तो ये वीडियो में हम लाइव दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट पैनल हम लोग लगाएंगे, जो कि पहले नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे नीचे से लगाकर और मेजरिंग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस जो बना है ना, जो ये स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा भी टेढ़ा होगा ना तो ये पैनल नहीं बैठेगा। ये बिल्कुल गुनिया में होना चाहिए, जो अपने यहाँ गुनिया में बोलते हैं ना वो होना चाहिए, बिल्कुल लेवल और बिल्कुल चारों कोना बिल्कुल इक्वल, ठीक है, और लेवल में होना चाहिए, तभी ये आपका पैनल बैठेगा। ऐसे आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है और बराबर करके पूरी पैनल जो लेना है, ठीक है दोस्त। और आगे बताएंगे आपको कैसे टाइट करना है इसको, दोनों गैपों के बीच में जो इसका लॉक आता है वो एलेंकी से टाइट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल 0-0 में इसको बैठाना है, ओके दोस्त। बिल्कुल केयरफुल से बैठाएं, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा पैनल, तो बिल्कुल आप सावधानी से पैनल को कभी भी लगाएं तो सावधानी से लगाएं, बिल्कुल आसान तरीका से लगाएं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लेवल करके एक नीचे का टाइट करने फिर ऊपर लगाएं, नहीं तो सरक जाएगा, नीचे गिर सकता है और पैनल टूट सकता है सोलर पैनल, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव महंगा बहुत होता है, तो इसीलिए आप केयरफुल से जब भी सोलर पैनल लगाएं, आप टेक्नीशियन है सोलर पैनल का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसान तरीका से सोलर को इंस्टॉल करें, ओके दोस्त। 12 पैनल है, ठीक है दोस्त, और ये लॉक है, जो ये लॉक को बिल्कुल आसानी से लगाना है हाथ बचाकर, क्योंकि हाथ चपने का भी चांस रहता है। यहाँ पे दोनों तरफ लॉक फंसाकर फिर आराम से इसको घसकाना है, घसकाकर और दोनों में मैच करके इसको टाइट कर लेना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल टाइट कर लेना है, आसान तरीका है इसका, बिल्कुल ऐसे एलेंकी से टाइट करना है, बिल्कुल फुल टाइट करना, नहीं तो हवा से ये सरक भी सकता है। तो आप जब भी टाइट करें तो बिल्कुल अच्छे से टाइट करें और फुल टाइट करें। अब जब भी पैनल उठाएं तो आराम से उठाएं, इस पे पैर नहीं रखना है, जो गाड़ी से उतारे डायरेक्ट उसके ऊपर लगाएं, नीचे रखना है तो आपको बिल्कुल लेवल करके रखें पैनल को, कहीं भी रखें लेवल करके रखें, ठीक है दोस्त। दोस्तों इसमें हमने इंस्टॉलेशन बताए हैं, अब दूसरा जो पार्ट 2 आएगा ना, तो उसमें हम टर्मिनेशन बताएंगे, इसको कैसे टर्मिनेशन किया जाता है, तो आपको ऑन करके बताएंगे कैसे इसको ऑन होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, 12 पैनल लग गया है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फिट कर दिए हैं, और नीचे का आपको दिखाते हैं कैसे इसको कनेक्शन करेंगे जब हम करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, फाइनली हमारा 12 पैनल्स जो था सोलर पैनल्स वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है दोस्त। तो आपको बता दूँ कि इसका अगला जो वीडियो आएगा ना, तो टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इसमें टोटल 54 बैटरी है, जो कि आपको बताने वाले हैं कि टर्मिनेशन कैसे करना है। तो ये देख रहे हैं अंदर जो वायर है, ये पूरी आपस में लूप होगी, टर्मिनेशन होगी, तो अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएंगे, ऑल पे क्लिक करें, मिलते हैं पार्ट 2 में।